Hey viewers, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे मसाला आलू की रेसिपी. ये आप साइड डिश में अपनी किसी भी सब्जी या दाल के साथ बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं. तो इससे पहले मैं मेरी रेसिपी स्टार्ट करूं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी. सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, 4 बड़ा चम्मच. सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो रिफाइंड भी कर सकते हैं. और इसको पकने के लिए रख दूंगी मैं. और 8 बड़े आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, इनको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काटूंगी. ये तेल पक गया है मेरा अच्छे से. अब इसमें मैं जीरा ऐड करूंगी. 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया. अब आलू ऐड करूंगी मैं. गैस का फ्लेम फुल रखना है क्योंकि ये आलू चिपकेंगे नहीं इससे. अब इसमें मसाला ऐड करूंगी मैं. 1 बड़ा चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया इसमें. इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करूंगी. 1 टेबल स्पून इसमें मैं रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये तीखा नहीं होता. और इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करूंगी, 1 टीस्पून. अब इसको एक बार चलाएंगे अच्छे से. बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनने वाले अच्छे आलू और अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा. इसको फुल फ्लेम पे ही रखना है और अच्छे से चलाना है, इससे आपके आलू चिपकेंगे नहीं और क्रिस्पी बनेंगे. गैस का फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर दिया है क्योंकि गैस ज़्यादा, कढ़ाई मेरी ज़्यादा गर्म हो गई थी. इसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी. इसमें 1/2 टीस्पून मैंने हींग ऐड कर दिया है. अब इसको अच्छे से चलाऊँगी मैं फिर से. देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये आलू और ये जल्दी बनके तैयार हो जाएंगे हमारे. 2 मिनट और लगेंगे मुश्किल से. ये आलू मेरे बन चुके हैं, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी. अब आपको सर्विंग डिश पे मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं. देखिए ये चटपटे क्रिस्पी आलू बनके रेडी हैं. आप भी इसे बनाइए और खाइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू गाइज़.